कि हुड्डा साहब इतने सांस क्यों चढ़ा रहे हो, क्यों अपने छोरे ने इतनी तपती गर्मी में अंगोछा सिर पर गेर के हंडन लाग रहे, जब सबके में लहर उनकी है तो इतना अंगा लाने की उन्हें जरूरत क्यों पड़ रही है। जब वो जीतते जिताए हैं फिर भी उनका पसीना रहे, इतने ठाटे हो और इतने मजबूत हो तो आला कमान से एक बार तय करवा दो ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेगा। हमने तो तय करवा दिया नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, आप कलवा के देखो एक बार। सुनो उन 15 आदमियों छोड़ के को कहो है मैं बाहर कहूँ, जो मेरे भाजपा वाले कुछ लोग जो टिकटारती हैं उनके अलावा कोई कहने लग रहे कि मेरा दफ्तर आप देखो सुबह से शाम तक लोगों से भरा रहता है, लोगों के काम करा रहा हूँ, लोगों के लिए सेवा में तैयार खड़ा हूँ। मैंने तो अपने संगठन को ये कहा था कि मुझे चुनाव कमल दे करके मुझे नागालैंड में लड़ने के लिए भेज दो, मैं कमल के लिए वहाँ भी लड़ूंगा। ऐसा बाहरी कौन होता है? फिर तो नरेंद्र मोदी जी भी बाहरी हैं बनारस में। बनारस में नरेंद्र मोदी जी का क्या है? मनोहर जी का करनाल में क्या था? मनोहर जी भी बाहरी हैं फिर तो। और नायब सैनी जी इस बार फिर करनाल से चुनाव लड़े तो इसका मतलब वो भी बाहरी हैं। और छोड़ो जी गोहाना की जनता की बात करते हो, इनको तो पसंद ही बाहरी आ रहा है। 5 बार तो स्थानीय विधायक गीत का है। हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल कैसे खिले, मुझे तो इस रूप में रचना करनी है और इस रूप में ही काम करना है। देख रहे हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ अरुण गुन। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और हरियाणा सरकार में चेयरमैन कृष्ण ढुल मौजूद हैं, तो उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। ढुल साहब, गोहाना से आप भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के मजबूत दावेदार हो, तो किस तरह से आप ये समीकरण? देखिए ढुल साहब, टिकट की दावेदारी ना दावेदारी वो कार्यकर्ता तय नहीं करता। कार्यकर्ता का काम है काम करना। मेरा तो मैंने कहा, जैसे आप पिछले एक साल से मैं गोहाना में काम कर रहा हूँ, लोगों के साथ लगातार मिल रहा हूँ, गोहाना से मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा कदे। लेकिन संगठन ने जब मुझे कहा कि आपको वहाँ जाके काम करना है तो मैं काम कर रहा हूँ। एक कार्यकर्ता के तौर पर हर गाँव में गया हूँ, 62 गाँव हैं, गोहाना शहर है, इसकी पूरी की पूरी ज्योग्राफी का मैंने देखा है। कोई ऐसा गांव नहीं जहां मैं ना गया हूं, कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें मैंने काम ना कराया हो, कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें मैंने नशे के विरोध में खुद रनिंग ना करी हो, मैराथन ना करी हो। तो लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है। हर जगह बूथ लेवल की हमने मीटिंगें शुरू कर दी हैं, बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को जोड़ना शुरू कर दिया है। तो चुनाव के निमित्त कमल को मजबूत कैसे किया जाए और गोहाना में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल कैसे खिले, मुझे तो इस रूप में रचना करनी है और इस रूप में ही काम करना है। दिल साहब, गोहाना शहर की बात करी जा, वहाँ तो बीजेपी जीत जा, गांव में जाके बीजेपी चुनाव हार जा, तो फिर इस चक्रव्यूह को कैसे पार करोगे? बनाई है रणनीति, सोचा है हमने भी कुछ इस विषय पर, अभी तो आपके सामने तो डिस्क्लोज कर देंगे। तो जो पुराना गिरना है बड्डा धुरंधर, फिर उसने बेरा पट जाएगा कि किस बात पर लाग रहे हैं भाजपा वाले। पर इस बार आप देखियो कि गोहाना शहर के मुकाबले अगर गांव में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा वोट से नहीं जीते ढूंढ साहब, तो मुझे आप ये बात कहना, इस बार हमने इतनी रणनीति के साथ काम किया है कि गांव में जहां भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर कार्यकर्ता कम होता था, इस बार गोहाना शहर से ज़्यादा लीड जो है वो गांव देंगे जो उनका गढ़ माना जाता है। अब कह रहे हो धुरंधर गोराना है, भूपेंद्र हुड्डा लास्ट में अपना औरत लेगा आवे है, सारे गामा हो जाओ, एक के बाद कहते मैं थारा हूँ था मारे हो और फिर जिता ले जाए। इब का रथ का पंचर हो जाएगा, बतेरा टेम हो लिया रथ चलते हैं, कदे न कदे तो उसके टायर भी पाटेंगे, कदे न कदे तो उसमें भी पंचर होगा। और भाई झूठ की कड़ी, झूठ की बातें लंबे टाइम तक नहीं चलती हैं। क्यों? अगर सुनो, अगर सारी चीज़ उनके हिसाब से है तो एक बार हुड्डा साहब तो माइक ला के न्यू तो पूछ लो, जो कर आपने मेरा माइक लाया कि हुड्डा साहब इतने सांस क्यों चढ़ा रहे हो, क्यों अपने छोरे ने इतनी तपती गर्मी में अंगोछा सिर पर गेर के हंडन लाग रहे, जब सबके में लहर उनकी है तो इतना अंगा लाने की उन्हें जरूरत क्यों पड़ रही है। जब वो जीतते जिताए हैं फिर भी उनका पसीना रहे। और सुनो, यो हुड्डा साहब थे और यो रथ था, इन सोनीपत वाले ने पौने 2 लाख तरह दिया, जबकि था रथ अड़े न था, ये गोहाना के लोग थे, ये सोनीपत के लोग थे। ये तो आनी जानी चीज़ें होती हैं, इसको हम ना तो गढ़ के तौर पर माने ना ये माने, कहीं ना कहीं कई बार मैनेजमेंट की चूक हो जाती है, जैसे इस बार हमारे से होगी। हमने जो कहा था पहले भाई 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली थी, लेकिन हमने थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई, कोई चूक हुई, जिसके कारण हम 3 सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। नहीं तो आज भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, और गोहाना में तो क्या क्या हार है, 1300 वोटें यार को हार होती है। तो आप तो उस राणी की बात कर रहे हो गोहाणी थे और पूरा दमखम भी लगा रहे हो,
पर जो आपका भाईचारा है बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो फिर एक बात बीच में उठा दिए हैं। अब भाई जो लोकल नेता नहीं है अड़ेगे उन्हें टिकट मिलनी चाहिए, जो ये साल 6 महीने तो नहीं आए हैं इनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए, चाहे आप हो चाहे दूसरे नेता हो, को पंचकूली दा आ गया, को मैम दा आ गया है, को तीसरा और कितने दा आ जाएगा, तो आपका भाईचारा भी इतना टांग एक दूसरे की खिचड़ वाला आ गया है। देखिए अरुण भाई, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अनुशासित कार्यकर्ता है। चुनाव मिलने, टिकट मिलने से पहले तक सभी कार्यकर्ता को ये अधिकार है कि वो अपनी टिकट का दावा प्रस्तुत करे, आला कमान तक जाए, संगठन के लोगों से मिले, उन तक पहुंचे, अप्रोच करे। जिस दिन टिकट मिल जाती है उसके बाद भाजपा का हर कार्यकर्ता एकजुट होकर के चुनाव लड़ता है। अब गोहाणा की पृष्ठभूमि कैसी रही है मुझे ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं गोहाणा में पहली बार आया हूँ। रही बात जो लोग कह रहे हैं कि भाई स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए, उसको ही चुनाव लड़ाना चाहिए, वो छोटी मानसिकता की बात है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जहाँ हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, जहाँ हम हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात करते हैं, तो ऐसे थोड़ी होगी कि गोहाणा की भाजपा न्यारी है, पंचकूला की भाजपा न्यारी है, फरीदाबाद की भाजपा न्यारी है और सिरसा की भाजपा न्यारी है। भाजपा तो कमल है। जो कार्यकर्ता कमल को लेकर के किसी भी विधानसभा में चुनाव लड़ेगा, जनता उसके साथ है। प्रदेश के कार्यकारिणी के लोग, प्रदेश के स्थानीय नेता, स्थानीय विधानसभा के कार्यकर्ता सब उसके साथ लगते हैं। और सुनो, मैं तो आज आपके सामने गोहाणा की बात कर रहा हूँ। विगत 2 दशकों से लगभग मुझे 15-20 साल राजनीति में सक्रिय हो गए। मैंने तो अपने संगठन विचार को ये कहा था, जब अरुणाचल में, तेलंगाना में, जहाँ नागालैंड में, मिजोरम में, मैंने तो अपने संगठन को ये कहा था कि मुझे चुनाव कमल दे करके मुझे नागालैंड में लड़ने के लिए भेज दो, मैं कमल के लिए वहाँ भी लड़ूंगा। ऐसा बाहरी कौन होता है? फिर तो नरेंद्र मोदी जी भी बाहरी है बनारस में। बनारस में नरेंद्र मोदी जी का क्या है? मनोहर जी का करनाल में क्या था? मनोहर जी भी बाहरी हैं फिर तो। और नायब सैनी जी इस बार फिर करनाल से चुनाव लड़े, तो इसका मतलब वो भी बाहरी हैं। और छोड़ो जी गोहाणा की जनता की बात करते हो, इनको तो पसंद ही बाहरी आ रहा है। 5 बार तो स्थानीय विधायक कित का है बताओ, आप खुद से बता दो कित का है और बरोदा का है, फिर वो गोहाणा में क्यों लड़ना है? क्यों गोहाणा जनता जिताने लग रही है? तो इसका मतलब ये कि इनको तो पसंद ही बाहर आ रहा है। जनता चाहिए नहीं, उंगली जनता ने नहीं उठाई डूल साहब, उंगली क्या बात कह रहे हैं बीजेपी के नेता? अरे वो छोड़ो उनको, वो छोटी मानसिकता के लोग हैं। एक चीज और भी कह रहे हैं ना, हाँ। दुल साहब अब 15-20 साल से झंडे आम लगावे, झंडे आम उठावे, पार्टी की दरी आम बचावे, और जब चुनाव का मौका आ जाए फिर आप आए, आप कई बार आप आएंगे, पहले जंगड़ा साहब आए थे तो फिर बोले बारी ने लिया बैठा दे। ये वही कहा ना, क्योंकि उनकी सोच छोटी है, गोहाना तो बार इसका मतलब वो कदे गए नहीं। उन्होंने भाजपा की मीटिंग है कभी, उन्होंने ना राष्ट्रीय परिदृश्य पे या प्रदेश परिदृश्य पे कभी देखी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो कार्यकर्ता आज तक गोहाणा से बाहर गया ही नहीं, उसको भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी का पता ही नहीं। चुनाव करने के लिए, लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए संगठन तय करता है कौन से कार्यकर्ता को कहाँ पर चुनाव लड़ाया जाए, कौन सा कार्यकर्ता जिताऊ है उसको चुनाव लड़ाने के लिए कार्यकर्ता को लड़ाया जाता है। और कौन तय करता है? प्रदेश की टोली या राष्ट्रीय परिदृश्य में जो लोग बैठे हैं। और इस बार की कमांड तो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकार लाने का जिम्मा लिया है, तो इस बार तो हरियाणा में निश्चित तौर पर तीसरी बार कमल खिलने जा रहा है और डबल इंजन की नायब सैनी जी की सरकार बनेगी। दुल साहब आप कमल खिलाने की बात करो हो, एक चुनाव के साथ एक और भी हो जाए है, यू चुनाव चौधर का चुनाव है, अपने एरिया में चौधर आवे है, इस चौधर ने मत ना जाने दो। नहीं, मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो क्या गोहाणा की चौधर नहीं रहेगी? मेरा भी तो बोला काम है यार, इसमें क्या बात होगी? मैं 25 साल ताड़े नहीं रह रहा, 30 साल तक नहीं रह रहा। मारे तो बड़ा दादा का काम बोला है, मेरा काम यो बराबर भगोतीपुर में 20 किलोमीटर दूर आड़त है, भगोतीपुर है, अरजीत गोहाणा में दफ्तर आड़त है 20 किलोमीटर दूर बोला है, और सारे लोग मन जाने हैं आड़े के लोग। तो ये चीज़ें सिर्फ सुनो, उन 15 आदमियों ने छोड़ के को कहो है मैं बाहर कहूँ, जो मेरे भाजपा वाले कुछ लोग जो टिकटारती हैं उनके अलावा कोई कहने लग रहे के मेरा दफ्तर आप देखो सुबह से शाम तक लोगों से भरा रहता है, लोगों के काम करा रहा हूँ, लोगों के
लिए सेवा में तैयार खड़ा हूँ। वह चौधर नहीं डोल साहब, चौधर मान हम मुख्यमंत्री की कुर्सी आई, अब एक कुर्सी रोहतक में अपने साथ हम आवे, एक जाओ नून करनाल अम्बाले साइड में जाओ, इस चौधरी लड़ाई ज्यादा लड़ी जाओ इस एरिया में। नहीं नहीं ये अरे पर वो चौधरी है राधिया, जो सबसे बड़ा चौधरी था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो सोनीपत वाले ने 2.25 लाख वोटा तो पीट दिया, जब कित गई वह चौधरी की लड़ाई, जब भूल गए सारी चीजा ने, आज चौधरी की फिर आ गई, ये तो बड़ी अटपटी सी बात है। अब भाई एक चौधरी पिछले मैच में दंगल में तो घेर दिया, इब के फिर उसके ठारे हैं कि भाई लंगर को मान लग रहा है, मैं ठाडा हूँ मैं ठाडा, भाई पहले हाँ तू आला कमान तो तय करवा लो, इतने ठाडे हो और इतने मजबूत हो तो आला कमान से एक बार तय करवा दो ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेगा, हमने तो तय करवा दिया नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, आप कलवा के देखो एक बार भी, आती कांग्रेस मारे मालेगी शांत पहले तो आके तो देख सारे हरियाणा कल की पार्टी है क्या की अब हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, अरिब तो दीपेंद्र मुख्यमंत्री बनेगा, यह बात चल पड़ी। देखो चलो आपने अपना मुंह तो मान लिया एक बात तो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि आपने खुद कहा कि इस बार नई परिपाटी चला दी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, और उसको लॉन्च करने के लिए एक प्रोग्राम बना दिया, हरियाणा मांगे हिसाब। अब हरियाणा हिसाब मांगेगा किस तुम्हारे थे, हमने तो दे दिया। अभी तीसरी बार इस प्रदेश की जनता के सामने हम अपने कामों को लेकर के गए, लोकसभा का चुनाव था वो तो झूठ के सारे गए, अब हम ये झूठ का प्रोपोगेंडा लेके गए, हम अपने कामों के सारे गए, हमने कहा कि हमने 10 सालों में केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने ये काम किए हैं और जनता ने हम पर माना, अब भाई हम सही हैं, और हमारे को 48% वोट दिया, 44 सीटों पर हम आगे जीते और 5 सीटें जीत के आए, 3 सीटें हम बहुत कम मार्जिन से मिसमैनेजमेंट के कारण हार गए, नहीं तो 8 सीटें हमारी थी, फिर कहाँ हुड्डा साहब और कहाँ मामला, कुछ नहीं है ये सिर्फ पिता पुत्र की जोड़ी का और एक इलाके के कुछ लोगों का प्रोपोगंडा। आप हरियाणा मांगे हिसाब आप न्यू बताओ ना, अगर हरियाणा के नेता हो तो आप फरीदाबाद से शुरू करो, हरियाणा के ही आप नेता हो तो आप अम्बाड़ा से शुरू करो, यमुनानगर से शुरू करो, आप अम्बाड़ा हरियाणा के बड़े नेता हो आप सिरसा से शुरू करो, कितने शुरू कर रहे हो, जड़ा अपना घर है करनाल से शुरू करिए डोल साहब, हाँ जड़ा अपना घर है मुख्यमंत्री के घर थे, उड़े तो मानस ही नहीं थे, उड़े कड़ा मानस थे, अगर उड़े कल तक तो विपक्ष यू आरोप लगाता रहा, अगर भाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अगेंस्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतना कमजोर कैंडिडेट दे दिया, आपस की अट्टा सट्टी थी, अरे पहले तय तो कर लो बात सही कौन सी है, अंतिम मौका दे दे डूलसा विधायक बन जा है तो फिर गुहाने के लिए क्या विशेष करना चाहोगे, गुहाना के लिए कुछ चीज़ें जो मेरे संज्ञान में मेरे दिमाग में चल रही हैं, जो मेरा आइडिया है मेरा विज़न है वो ये है कि 2-3 चीज़ें, एक तो गुहाना की वेस्टर्न पेरिफेरी पश्चिमी बाईपास, गुहाना को जिला बनाने की प्राथमिकता, गुहाना के दोनों इन बड़े रोडों के ऊपर फ्लाईओवर बरोदा रोड और महम रोड, गुहाना के दोनों सेक्टरों की ड्रॉ, और गुहाना को इंडस्ट्रियल हब, क्योंकि अगर मेरा विज़न और मैं उसको दृष्टिकोण से देखूं तो रोहतक से लेकर के दिल्ली तक तो सारा इलाका कवरअप हो चुका है, इधर सोनीपत और खरखोदा तक कवरअप हो चुका है, जो दो दो पाइप दो नेशनल हाईवे इनके साथ से गुहाना के दोनों तरफ से निकल रहे हैं, एक रोहतक की तरफ जाओगे तो 3 किलोमीटर दूर मारा से पहले है और दूसरा इधर हम जाते हैं सैनीपुरा से पहले आ जाता है, तो ये दोनों बाईपास दोनों आने से राष्ट्रीय राजमार्ग जो आए हैं इसके कारण गुहाना जो है अगले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय परिदृश्य पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपनी पहचान बनाएगा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे गुहाना की पहचान है अभी तक मिठास के तौर पर, क्योंकि हमारी जो मोटी जलेबियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हैं। अब मेरा ये विजन है कि मैं इस गुहाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक इंडस्ट्रियल हब तैयार करें जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनाए। मेरा अगर चलता है मेरा विजन रहा तो मैं गुहाना को पेरिस बनवा के छोड़ूंगा। डुल साहब एक बात और बता दो, देखो पार्टी है फैसला कुछ विलेज का है, टिकट नहीं मिल ली जिस तरह इब गुहाना की सेवा कर रहे हो आगे भी करोगे कि नहीं? निश्चित तौर पर देखिए मैं संगठन का ऐसा कार्यकर्ता हूँ जिसे मुझे संगठन ने गढ़ा है, मेरे अंदर संगठन कूट कूट कर है, मेरे दोनों बच्चे संघ के स्वयंसेवक हैं, मैं संघ का पुराना स्वयंसेवक हूँ, मुझे इस बात पर गुरेज ही नहीं है। पार्टी जिस व्यक्ति को यहाँ कमल देगी, कमल यहाँ से जिताना मेरी प्राथमिकता है, चाहे मैं लड़ूँ
चाहे कोई और लड़े, चाहे कुछ भी लड़े, हमारे लिए व्यक्ति नहीं लड़ रहा, हमारे लिए कमल लड़ रहा है। कमल को विधानसभा में पहुंचाना गोहाना से ये मेरी प्राथमिकता है। वो कमल मैं लेकर के जाता हूं या वो कमल भाई दुहन लेकर के जाता है, ये अलग बात है, और इस विषय पर मैं सोचता भी नहीं हूँ।